काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे स्टॉक आइटम्स बनाना। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपको स्टॉक ग्रुप्स के अंतर्गत आने वाले क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर ऑप्शन के बारे में और उसके बाद यूनिट्स ऑफ मेजर के बारे में बताया था। इस वीडियो में और इसके बाद वाली वीडियोस में हम आपको स्टॉक आइटम्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टॉक आइटम्स क्या है। स्टॉक आइटम्स से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिनका आप व्यापार करते हैं या निर्माण करते हैं या निर्माण के लिए कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं। हमने मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस में बताया था कि व्यापार में हमें किसी का भी अकाउंट यानी हिसाब किताब रखने के लिए उसका खाता यानी लेजर बनाना होता है। ठीक उसी तरह हम जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनका भी हिसाब रखना होता है। हिसाब रखने से ही हमें ये जानकारी मिल पाती है कि हमने कौन सा माल खरीदा, कितना खरीदा, किस भाव में खरीदा, कितना बेचा, किस भाव में बेचा, कितना स्टॉक बचा है इत्यादि। और यही कारण है कि हम लेजर्स की तरह ही स्टॉक आइटम्स भी बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अपना निवेदन यानी रिक्वेस्ट एक बार दोहरा दें और वो ये कि आपको सिर्फ वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। एक और खास बात, जिस तरह हमने आपको अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत लेजर्स में क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर ऑप्शंस के बारे में बताया था, बिल्कुल वही प्रोसेस इन्वेंटरी इन्फो के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स के लिए भी है। फिर भी हम इसे शॉर्ट में समझा देते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। इसके पहले हम मास्टर्स हेडिंग के अंतर्गत आने वाले दूसरे ऑप्शन इन्वेंटरी इन्फो में स्टॉक ग्रुप्स और यूनिट्स ऑफ मेजर के बारे में सीख चुके हैं। अब स्टॉक आइटम्स को समझ लेते हैं। स्टॉक आइटम्स के लिए आई प्रेस करें। देखिए ये स्टॉक आइटम्स की विंडो आ गई है। यहाँ आप दो हेडिंग्स देख रहे हैं, पहला सिंगल स्टॉक आइटम और दूसरा मल्टीपल स्टॉक आइटम्स, और इनके अंतर्गत क्रमशः 3 ऑप्शंस हैं जिनमें क्रिएट से आप नए स्टॉक आइटम्स बना सकते हैं, डिस्प्ले से आपने जो स्टॉक आइटम्स बनाए हैं उनकी डिटेल्स देख सकते हैं, और तीसरा है ऑल्टर। इसकी सहायता से आप बने हुए किसी भी स्टॉक आइटम में ऑल्टरेशन यानी परिवर्तन कर सकते हैं। अभी डिस्प्ले और ऑल्टर ऑप्शंस डिसेबल्ड हैं क्योंकि टैली में एक भी स्टॉक आइटम बना हुआ नहीं है। जैसे ही हम स्टॉक आइटम्स बना लेंगे ये ऑप्शंस इनेबल्ड यानी चालू हो जाएंगे। इस वीडियो में हम क्रिएट ऑप्शन के बारे में बताएंगे। सिंगल स्टॉक आइटम यानी एक समय में एक स्टॉक आइटम बनाने के लिए सी प्रेस करें। ऐसा करते ही ये स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो आ गई है। नेम के आगे स्टॉक आइटम का नाम टाइप करें, जैसे हमने टाइप किया ओनिडा टीवी 20 इंचेस। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। अंडर में आप इस स्टॉक आइटम को जिस भी मेन ग्रुप या सब ग्रुप में रखना चाहते हैं उसका नाम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सिलेक्ट कर लें। हम सब ग्रुप ओनिडा टीवी सिलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। यूनिट्स के आगे यूनिट्स की छोटी विंडो आ रही है, इसमें हम नंबर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यदि कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो आपको लिखना होगा। आइए पहले ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग स्टॉक को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यवसायी मैनुअल अकाउंटिंग करता है और उसने फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष के बीच में या किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू कर दी, तो मैनुअल अकाउंटिंग में उसके स्टॉक आइटम्स के जो भी क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यापारी 31 मार्च 2020 तक अपने यहाँ मैनुअल अकाउंटिंग करता था और अब तारीख 1 अप्रैल 2020 से उसने अपने यहाँ कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू कर दी, तो 31 मार्च 2020 के मैनुअल अकाउंटिंग के स्टॉक आइटम्स के जो भी क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे।
और वो सभी बैलेंस उसे कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू करने के पहले स्टॉक आइटम्स बनाते समय अपने यहाँ ओपनिंग बैलेंस में लिखना होंगे। हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पर समझने के लिए यहाँ हमने क्वांटिटी में 10 टाइप कर दिया है। एंटरप्राइज करें। यहाँ हमें माल का जो भी खरीद भाव है वो टाइप करना होगा। एंटरप्राइज करें, फिर एंटरप्राइज करें। देखिए हमारे ओपनिंग बैलेंस की टोटल वैल्यू आ गई है। कंट्रोल और ए कीज से इसे एक्सेप्ट कर लें। अब यदि आप चाहें तो दूसरे आइटम का खाता भी इसी तरह से खोल सकते हैं। हम एस्केप की सहायता से वापस स्टॉक आइटम्स वाली विंडो पर आ गए हैं। आइए अब मल्टीपल स्टॉक आइटम्स में क्रिएट ऑप्शन को समझ लेते हैं। क्रिएट के लिए आर प्रेस करें। देखिए आर की प्रेस करते ही मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो आ गई है। यदि आप किसी एक ग्रुप के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स बनाना चाहते हैं तो अंडर ग्रुप में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से वो ग्रुप चुनना होगा। जैसे कि यहाँ हम सब ग्रुप LG TV के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स बनाना चाहते हैं तो वो चुन रहे हैं। नेम ऑफ आइटम में LG TV 20 इंचेस टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे अंडर में LG TV लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर अंडर ग्रुप में LG TV सिलेक्ट किया था। यूनिट्स में नंबर्स सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, फिर भी समझने के लिए हम ओपनिंग क्वांटिटी में 15 लिख रहे हैं। एंटर प्रेस करें। यहां उसका परचेज रेट डालकर एंटर प्रेस कर दें। यदि आपको यहां से यूनिट चेंज करनी है तो कर सकते हैं, हम नंबर्स ही रहने दे रहे हैं। एंटर प्रेस करें। ये देखिए अमाउंट में स्टॉक आइटम्स का पूरा मूल्य आ गया है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। हम LG TV 30 इंचेस का एक स्टॉक आइटम और बना लेते हैं, और इसी तरह आप चाहें तो ऊपर चुने गए ग्रुप में और भी स्टॉक आइटम्स बना सकते हैं। हम कंट्रोल और ए कीज से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि आप एक ही बार में अलग अलग ग्रुप्स के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मल्टीपल स्टॉक आइटम्स में क्रिएट पर जाना होगा। क्रिएट के लिए आर की प्रेस करें। यहां अंडर ग्रुप में ऑल आइटम्स सेलेक्ट करना होगा। ऑल आइटम्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसलिए हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। नेम ऑफ आइटम में आइटम का नाम लिखें। हम टाइप कर रहे हैं ओनिडा टीवी 30 इंचेस। एंटर प्रेस करें। अब यहां आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आइटम से संबंधित ग्रुप का नाम सिलेक्ट करना होगा। हमने सिलेक्ट किया ओनिडा टीवी। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद अब यूनिट सिलेक्ट करनी होगी, और यदि कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो डालते हुए आगे बढ़ें। हम एक स्टॉक आइटम सैमसंग टीवी 20 इंचेस का और बना लेते हैं, और यहां सैमसंग टीवी सब ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। यहां हमने स्टॉक आइटम में डेल लैपटॉप मॉडल 111 टाइप किया। एंटरप्राइज किया। अब यहां एक दिक्कत ये है कि हम जिस ग्रुप में ये स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं वो ग्रुप हमने बनाया ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आप ऑल्टर और सी प्रेस करके भी ग्रुप या सब ग्रुप बना सकते हैं। हम ऑल्टर और सी प्रेस कर रहे हैं। देखिए ये स्टॉक ग्रुप क्रिएशन विंडो आ गई है, और जैसा कि हमने आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने वाली वीडियो में बताया था, उसी तरह आप यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं। हम यहाँ डेल लैपटॉप के नाम से सब ग्रुप बना रहे हैं, और यहाँ अंडर में हम लैपटॉप जो कि हमारा मेन ग्रुप है उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। अब कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए डेल लैपटॉप मॉडल 111 के बाद अंडर में हमने अभी जो ग्रुप बनाया था उसका नाम दिखाई पड़ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने नेम ऑफ आइटम में किसी आइटम का नाम टाइप कर लिया और आगे बढ़ गए, फिर हमें लगा कि हमें ये स्टॉक आइटम नहीं बनाना है। ऐसी स्थिति में बैकस्पेस की प्रेस करके नेम ऑफ आइटम पर आ जाएं और डिलीट की से आइटम का नाम डिलीट कर दें, और उसकी जगह पर कोई अन्य स्टॉक आइटम बनाना हो तो वो बना लें।
हमने कुछ स्टॉक आइटम्स और जरूरत के हिसाब से उनके स्टॉक ग्रुप्स बना लिए हैं। अब कंट्रोल और ए की से विंडो को एक्सेप्ट कर लें। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको स्टॉक ग्रुप्स और इस वीडियो में स्टॉक आइटम्स बनाना सिखाया। चलिए अब हम इन्हें देख लेते हैं कि ये ठीक से बने हैं या नहीं। इसके लिए पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स को देखने के लिए हमें डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले के लिए डी प्रेस करेंगे। यहां से स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी में जाना होगा। इसके लिए ई प्रेस करेंगे। यहां से स्टेटिस्टिक्स में जाने के लिए एस प्रेस करेंगे। एस प्रेस करते ही एक विंडो खुलेगी जिसमें राइट साइड में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है। इसमें हमें स्टॉक आइटम्स पर जाना है। उसके लिए राइट एरो की प्रेस करें और उसके बाद यहां से डाउन एरो की सहायता से स्टॉक आइटम पर जाएं। या फिर सीधे माउस से स्टॉक आइटम्स पर क्लिक करेंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ गई है। हमने जो भी मेन ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और उनमें जो स्टॉक आइटम्स बनाए हैं वे सभी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। इसे हम चार्ट ऑफ इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। यदि आपको इस लिस्ट में किसी ग्रुप, सब ग्रुप या स्टॉक आइटम में कहीं कोई गलती दिखती है तो आप उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। ऑल्टरेशन स्क्रीन आ जाएगी। ऑल्टरेशन स्क्रीन से आप जो भी परिवर्तन करना चाहें वो कर सकते हैं। इन्हें देखने का एक तरीका और भी है जो हमने आपको मल्टीपल लेजर्स क्रिएशन वाली वीडियो में बताया था। गेटवे ऑफ टैली पर डी प्रेस करें, फिर एल प्रेस करें। देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत राइट साइड में वर्टिकल बटन बार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इन्हें एक एक करके ट्राई करके देख सकते हैं। अभी हम कंट्रोल और आई प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, अभी इसके पहले हमने आपको जो विंडो बताई थी वही विंडो यहाँ पर आ गई है। इस वीडियो में हमने आपको स्टॉक आइटम्स बनाना बताया। अगली वीडियो में हम आपको स्टॉक आइटम्स के अन्य ऑप्शंस, डिस्प्ले और ऑल्टर के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि किसी स्टॉक आइटम को डिलीट कैसे करते हैं।